नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर राज्य के मुखिया ने की पूजा अर्चना, राज्य की खुशहाली की कामना। जमशेदपुर के बागबेड़ा में कुएं से निकाला गया दो छात्रों का शव, सोमवार रात घटी थी घटना। नाबालिग दुष्कर्म मामले को मंत्री सरयू राय ने लिया संज्ञान में, कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और बदलते युग में आज भी मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस। और अब खबरें विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। लौह नगरी जमशेदपुर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भालूबासा के शीतला मंदिर पहुंचे। वहीं उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड वासियों को महाशिवरात्रि के मौके पर शुभकामनाएं दी। वहीं कहा है कि भगवान शिव जिस तरह सभी को एक साथ अपने परिवार की तरह लेकर चलते हैं, उसी तरह झारखंड भी एक समाज की तरह है और झारखंड को सभी मिलकर एक परिवार बनाएं। जमशेदपुर वासी सहित सभी झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह भगवान शिव के परिवार को हम देखें, हम प्राकृतिक के साथ साथ जीव जंतु को पूजा करते हैं, उस तरह शाम सब भगवान के साथ, उसी तरह झारखंड में भगवान शिव पार्वती के परिवार के तहत झारखंड भी एकरस समाज, समरस समाज बनाए, सबको भगवान इसके लिए शुभकामनाएं। और लौह नगरी जमशेदपुर के सभी शिव मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं झारखंड के मंत्री सरयू राय भी शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री सरयू राय ने कहा कि महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की पूजा करने से सालों साल धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार भगवान शिव की कृपा भक्तों पर बनी रहती है, इसलिए हर किसी को शिवरात्रि की पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपनी भक्ति का परिचय देना चाहिए। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा होती है और अब कहा जाने लगा है, वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि इस अवसर पर जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है उससे बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और वह ऊर्जा हम लोगों को अनुभव भरे नहीं हो। बात अगर जुगसलाई, बागबेड़ा, परसुडी व ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो वहां भी महाशिवरात्रि का त्यौहार काफी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। एक ही दिन में चार पहर के ना मिलने से इस वर्ष दो दिन महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन देवों के देव महादेव भगवान शिव की शादी हुई थी, तब से आज के दिन हिंदू परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, जहां महिला हो या पुरुष या फिर छोटे बच्चे, सभी हर्षोल्लास के साथ आज के दिन भगवान शिव की आराधना के साथ व्रत रख कर मन्नतें करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन व्रत कर जो भी श्रद्धालु भगवान शिव से मन्नतें मांगते हैं, भगवान उसकी मन्नतों को पूरा करते हैं। इधर जुगसलाई, बागबेड़ा, परसुडी व ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी धूमधाम से शिवरात्रि का त्यौहार संपन्न हुआ, जहां श्रद्धालु शिवालयों में एकत्रित होकर भगवान शिव का जलाभिषेक किए और उनकी आराधना में लीन नजर आए। वहीं पंडित जितेंद्र कुमार के अनुसार चार पहर का एक ही दिन नहीं मिलने की वजह से पूरे देश में 13 फरवरी व 14 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां सभी भक्त भगवान की आराधना में लीन हैं। शिवरात्रि में चार पहर को मिला के भगवान का पूजा किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, शादी किया जाता है उनका, तो त्रयोदशी को भी बढ़िया से मिल नहीं रहा है चार पहर और चतुर्दशी को भी नहीं मिल रहा है, इसलिए दोनों का दो दो पहर लेके यह शिवरात्रि मनाया जा रहा है। और अधिकतर हमारे काशी विश्वनाथ हो गया, बैजनाथ धाम हो गया, हर जगह आज के दिन ही शिवरात्रि मनाया जा रहा है। वहीं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जमशेदपुर के जुगसला स्थित सत्यनारायण मंदिर से शिवजी की बारात निकाली गई, जहां एक से एक झांकियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते नजर आ रही थी।
प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन चौक बाजार स्थित सत्यनारायण मंदिर से शिवजी की बारात निकाली जाती है, जहां मंदिर कमेटी के द्वारा इस बारात में एक से बढ़कर एक झांकियों को शामिल किया जाता है। बाजे गाजे के साथ निकली ये बारात पूरी जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण कर महाकालेश्वर धाम मंदिर में पहुंचकर संपन्न हुई। बता दें, पिछले कई वर्षों से लगातार महाशिवरात्रि के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, जहां महाकालेश्वर छठ घाट समिति के भी सदस्य बढ़ चढ़ कर इस बारात में हिस्सा लेते हैं। वहीं आयोजककर्ता विजय सिंह ने बताया है कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर कमेटी द्वारा धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शिव जी की बारात निकाली गई है, जो पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर महाकालेश्वर मंदिर में जाकर संपन्न होगी। सुरक्षा के मद्देनजर जुगसलाई थाना प्रभारी के द्वारा विशेष तौर पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। इस अवसर पर निकाला गया शिव बारात करीब 25 वर्ष से निकल रहा है, किस उद्देश्य से और किस अवसर पर ये शिवरात्रि के अवसर? और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास दो दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर में थे, जहां उन्होंने मंगलवार सुबह मिशन 2019 की तैयारी को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया। घंटों निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास के कई रूप देखने को मिले। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास सुबह से ही अपने विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण करते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पहले एग्रीको भालूबासा समेत कई पौश इलाकों का निरीक्षण किया। वहीं पौश इलाकों में गंदगी और सड़क पर बहता पानी देखकर मुख्यमंत्री भड़क गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पौश इलाकों में रह रहे लोगों को फटकार भी लगाई। वहीं एसडीओ को गंदगी फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। और जमशेदपुर के परसुड़ी थाना क्षेत्र के कलियाडी स्थित कुएं में एलबीएसएम कॉलेज के तीन छात्र गिर गए, जिससे दो छात्रों की मृत्यु हो गई। बता दें, इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खबर मिलते ही छात्रों के शव के साथ एलबीएसएम कॉलेज के छात्र परसुड़ी थाना पहुंचे। बताया जा रहा है कि कुछ छात्र शाम के वक्त कलियाडी स्थित कुएं के पास शराब का सेवन कर रहे थे। इसी क्रम में कुएं का बाउंड्री टूटे रहने की वजह से तीन छात्र कुएं में गिर गए, जिससे दो छात्रों की मौत कुएं में डूब जाने की वजह से हो गई। रात के वक्त गोताखोरों की मदद न मिलने से सुबह गोताखोरों व स्थानीय लोगों की मदद से दोनों छात्रों का शव निकाला गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच चल रही है, फिलहाल छात्रों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं मृत छात्रों का नाम विकास सांडिल और रघुनाथ मुर्मू है, जो कि परसुड़ी सरजम टोला के निवासी हैं और वर्तमान में एलबीएसएम कॉलेज के बीए पार्ट वन के छात्र हैं। उसी दौरान में दो लड़का कुआं में डूब गया, कहाँ किस स्थान की घटना है? कलियाडी बस्ती के बाहर एक कुआं है। तो जो छात्र डूबे हैं उनकी उम्र कितनी होती होगी? उम्र वही 22-23 साल, सरजम टोला करंडी का। और कितने छात्र गए थे सर, जानकारी के लिए? छात्र तो जैसे अभी तक पता चल रहा है कि पांच थे। और जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होने पर केंद्रीय एजेंसी से भी जांच कराई जा सकती है। साथ ही 11 लाख से अधिक लोगों का राशन कार्ड से नाम राज्य के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने किस आधार पर काटा है, इस पर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने जवाब तलब किया है। अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने मानगो सहारा सिटी प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसी से भी जांच कराई जाएगी। इसी मामले में जांच कर रहे अधिकारियों से संपर्क किया गया है, क्योंकि इस मामले में कई सफेदपोश लोगों का नाम उजागर होने के बाद राजनीतिक दबाव जांच अधिकारियों पर बढ़ गया है, इसलिए निष्पक्ष जांच नहीं होने पर केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पत्राचार के माध्यम से उनसे जवाब तलब किया है, जहां एक तरफ सारंडा रोड निर्माण कार्य में हुए घोटाले को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश पर मुख्य सचिव की खामोशी और बिना आधार के गरीब लोगों को सरकार द्वारा जा रही राशन नहीं देने का आदेश जारी करने पर राज्य के मुख्यमंत्री से जवाब मांगा गया है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने सरकारी आदेश का पालन
करने की बजाय अपने आदेश पर राज्य के 11 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड से काट दिया है, जबकि केंद्र सरकार का आदेश है कि सरकारी सुविधाओं से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते हैं, मगर अब तक इस मामले में मुख्य सचिव की तरफ से किसी तरह की पहल नहीं हुई है, जो कि चिंता का विषय है। मैं रांची जाकर पुलिस के उच्च अधिकारियों से मैंने बात किया और मुझे जो जानकारी वहां मिली मैंने उनको बताया, और जो पुलिस के उच्च अधिकारी इसके सुपरविजन में लगाए हैं से भी मैंने साफ साफ कहा कि भैया आप देख लीजिए इस मामले का पहली नज़र में जो विस्तार दिखाई पड़ रहा है तो उसमें हो सकता है कि जाँच के दौरान कई प्रकार के दबाव आपके ऊपर आए, अगर आप दबाव झेलने की स्थिति में नहीं हैं तो बेहतर होगा कि हम लोगों को इसका इशारा मिल जाए तो हम बात करेंगे कोई केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच करेंगे। तो हम लोगों ने मैं एक नज़र में सुना है वही हमारे पास है, उसके तह में हम नहीं गए हैं, यहाँ भी पुलिस के अच्छे अधिकारी हैं, सीबीआई में रहे हैं कि लौट के आए हैं, ये सब वो काम कर सकते हैं। और समाज का दबाव अगर किसी न किसी रूप में आता है इनके ऊपर तो बेहतर होगा कि हम इसको केंद्रीय एजेंसी के पास भेजें। अकोलहान डीआईजी साकेत कुमार ने कहा, सहारा सिटी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी व्यक्तियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। सहारा सिटी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का अनुसंधान करने कुलहान डीआईजी साकेत कुमार सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय में डीआईजी ने एसएसपी, सिटीएसपी एवं जांच पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की, साथ ही पीड़िता के 45 मिनटों के रिकॉर्डिंग बयान को भी उन्होंने देखा। इधर मीडिया से बातचीत करते हुए डीआईजी ने कहा कि घटना का निष्पक्ष रूप से अनुसंधान किया जाएगा, अनुसंधान का बिंदु क्या होगा इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन दोषियों को सजा जरूर मिलेगी और जरूरत पड़ने पर नार्को जांच भी कराई जाएगी। वहीं कुलहान डीआईजी साकेत कुमार, एसएसपी अनूप विरथरे और सिटीएसपी प्रभात कुमार ने मंगलवार को सहारा सिटी पहुंचने के बाद पीड़िता से घटना के संबंध में लंबी पूछताछ भी की। समय पर जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी जो भी होगा बताते जाएंगे। चलो और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को, उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। अभी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। जीवन की खुशियों के यादगार पल आपकी उम्मीदों के सांचे में जाएं ढल। आप बनाएं अपने हर मुबारक मौके को एकदम खास और बेहतरीन। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, बिल्कुल अनूठा, विशाल और बेहद खूबसूरत बैंक्वेट हॉल सेलिब्रेशन इन। शादी विवाह के शुभ अवसर हो या हो आपकी मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट गेट टुगेदर हो या फिर हैप्पी बर्थडे की सुहानी घड़ी, बनाए आपकी खुशियों का हर एक पल खुशनुमा, एक एक लम्हा बिल्कुल हसीन। An elegant, exclusive and spacious banquet hall. Celebration Inn. Well-arranged catering services. Well-facilitated with tent and decorations. Balloon decorations. Latest DJ music and PA system. 4K still photography and video recording. All types of cultural and western entertainment events. And air-conditioned with deluxe guest rooms. Celebration Inn.
अपने हर यादगार आयोजन को बनाएं अब और भी शानदार, वाओ, ऑसम, अमेजिंग। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सेलिब्रेशन इन, अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी। संपर्क करें प्रगति नगर, बजरंग चौक, कदानी रोड, बारीटी, नियमर्सी हॉस्पिटल, जमशेदपुर। फोन 8521864285 9431328986। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आए। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर क्यू एम हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक, जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्केलिंग करवानी हो या रूट कैनल, या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में, एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, बिसाइड बैंक ऑफ इंडिया, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल अस ऑन 8797257335 और 9534106209। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बदलते युग में जहां हम चंद मिनटों में सूचनाओं को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, मगर कभी ये सूचनाओं का माध्यम रेडियो हुआ करता था, उस वक्त लोग सूचना प्राप्त करने के लिए घंटों इंतजार करते थे, जो आज लोगों की नजरों से दूर हो गया है। कदमा स्थित उलियान में गाइड इंटरनेशनल रीजनल रेडियो क्लब में 150 से अधिक प्रकार के रेडियो उपलब्ध हैं। इस क्लब का निर्माण 1974 में रेडियो प्रेमियों के द्वारा किया गया था। 40 साल का सफर तय कर चुके रेडियो प्रेमी सूचना का माध्यम बने रेडियो को आज भी संजो कर रखे हुए हैं। जहां एक तरफ आज लोग मोबाइल और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से चंद मिनटों में सूचना को पूरी दुनिया में पहुंचा देते हैं, ऐसे में आज से 50 वर्ष पूर्व ये रेडियो ही लोगों के लिए मनोरंजन एवं सूचना का माध्यम था। आज अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस के अवसर पर लोग अपने बीते दिनों को याद कर रहे हैं। इस संबंध में क्लब के अध्यक्ष चिन्मया महतो का कहना है कि उनके पास 90 साल पुराने रेडियो उपलब्ध हैं, जो आज भी लोगों के लिए मनोरंजन का एक साधन बना है और इसे संजोकर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। इस बदलते युग में जहां लोगों की सोच बदल रही है, वैसे में अपनी पुरानी वस्तुओं को जीवित रखने के लिए इस तरह के क्लब का निर्माण इन्होंने किया है, जहां बीते दिनों को याद किया जाता है। इस क्लब में 100 से अधिक प्रकार के रेडियो उपलब्ध हैं। खत लिखने गए, खत लिखा करते थे रेडियो स्टेशन, बदले में वो लोग खत के साथ साथ बहुत सारा अच्छी सामग्री हम लोग को भेजने लगे। आज सुनने में आया कि रेडियो का आवाज़ आखिर कहाँ से आता है, तो ये उत्सुकता जो है बचपन से, जब मैं क्लास 5 में पढ़ता था तो उस रेडियो प्रोग्राम सुनते सुनते रेडियो सिलोन का हम बहुत कायल हुए थे। आखिर इस रेडियो से आवाज़ क्यों आता है, कैसे आता है, ये जानने का कोशिश प्रयत्न करते करते करीब करीब छात्र जीवन में हम लोग पहुँचे। ये किए कि नहीं हम लोग को फरमाइश भेजें,
तो रेडियो सिलोन से विविध भारती से हम लोग फरमाइश भेजने चालू किया, तो नाम आने लगा, इसमें हम लोग और ज़्यादा उत्साहित होने लगे। आज 40 साल से ये संग्रहालय जैसा हमने एक रूम बनाया है, जो कि रेडियो कलेक्शन और जितने प्रकार के करीब करीब 20 से 25 देशों के साथ हम जुड़े हुए हैं और सभी का प्रोग्राम हम लोग बाकायदा सुनते हैं और वो लोग के साथ करेस्पोंडेंस करते रहते हैं। ये करीब करीब 100 पीस मेरे पास 6 इंच से लेकर 12 इंच तक हम लोग का रेडियो कलेक्शन है। वहीं इस संबंध में रेडियो सुनकर अपना मनोरंजन करने वाले डॉक्टर हरीश राम का कहना है कि आज लोग विघटित हो रहे हैं, जरूरत है संगठित होने की। पहले लोग अपनी दिनचर्या से वक्त निकालकर चौक चौराहों पर एकत्रित होते थे और एक दूसरे का हालचाल जानते थे और रेडियो के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करते थे, मगर आज इस बदलते युग में जहां लोगों की दिनचर्या बदल गई है, ऐसे में लोग अपने परिवार को ही समय नहीं दे पा रहे हैं, जो काफी दुखद है। के ज़माने में देखिए, पहले जो है एक साथ जब बैठते थे, क्योंकि ये चीज़ें कम मिलती थी, तो लोग जो है एक ही जगह बैठ करके अपनी भी जो है दिन भर की दिनचर्या के बारे में बात करते थे, अपने दुख सुख के बारे में भी बात कर लेते थे, एक साथ मिलते थे। अभी तो इतना ज़्यादा हो गया, घर घर में जो है रेडियो क्या है, टीवी और जो है LCD वगैरह, इसका सब जो है व्हाट्सअप वगैरह उसका ज़माना है। तो किसी से आप जो है मोहल्ला तो छोड़ दीजिए, मेरी समझ से परिवार भी एक ऐसा है ना कि वो अपने में ही मस्त रहता है, दूसरे से किसी से बात नहीं करता। नहीं तो ज़्यादातर जो है सामने बैठ करके मोहल्ले वाले हैं, घर वाले हैं, सब बैठ करके बातचीतें करते थे और इस तरीके से प्रोग्राम सुन करके अपना एंटरटेनमेंट करते थे। और भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े नक्सली कमांडर महाराज प्रमाणिक पर सरायकला पुलिस ने दबिश बढ़ा दी है। कुछ महीने पूर्व ईचागढ़ प्रखंड के दारूदा स्थित उसके घर की कुर्की करने के बाद पुलिस ने उसके 4 एकड़ पैतृक भूमि को जब्त कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई में ASP अभियान प्रियरंजन, SDPO चांडिल, संदीप भगत ईचागढ़, अंचलाधिकारी गणेश महतो समेत कई पुलिस अधिकारी व भारी संख्या में जवान मौजूद थे। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए SP चंदन कुमार सिन्हा ने कहा है कि नक्सली कमांडर महाराज प्रमाणिक पर नक्सली वारदातों के कई मामले दर्ज हैं तथा पुलिस उसे पकड़ने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, साथ ही उसके चल व अचल संपत्ति को कुर्क कर दबिश बढ़ाई जा रही है ताकि नक्सलियों का मनोबल टूटे। महाराजा प्रमाणिक जो भाकपा माओवादी संगठन का सब जोनल कमांडर है, उसकी आज अचल संपत्ति जब्त की गई। उसका जो पैतृक खेत खलिहान वगैरह था उसे जब्त किया गया, लगभग 4 एकड़ जमीन जब्त की गई पुलिस के द्वारा। वह चौका थाना के कांड में वांछित था और लगातार फरार रहने के चलते कुर्की की कार्रवाई की गई है। निश्चय ही इसका असर जो है वह उग्रवादी संगठन के मनोबल पर पड़ेगा। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका हल्दीपोखर विद्या निकेतन उच्च विद्यालय में नव निर्मित शौचालय बंद मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड प्रशासन ने प्रभारी प्रधानाध्यापिका सुनीता शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। पिछले एक वर्ष से नव निर्मित शौचालय बंद पड़ा था, जिसके कारण छात्र छात्राओं को खुले में शौच जाना पड़ रहा था, जिसे लेकर विद्यालय के बच्चों ने पोटका वीडियो समेत तमाम पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं जिसके बाद पोटका के वीडियो PC दास, CO द्वारिका बैठा, CDPO दुर्गेश नंदिनी द्वारा विद्यालय जाकर पहल की गई और शौचालय का दरवाजा खुलवाया गया, साथ ही साथ प्रधान अध्यापक सुनीता शर्मा को सख्त हिदायत दी गई। आगे इस तरह की शिकायत मिलती है तो आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शौचालय तो बंद करके रखा गया है, स्कूल में आपस में इन लोगों का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और जिसके वजह से शौचालय ये लोग बंद करके रखे हुए थे, ये जानकारी हम लोगों को मिली थी। और इस ये जानकारी मिलने के बाद हम लोग ब्लॉक प्रशासन के तरफ से, हम हैं, CO साहब हैं और CDPO मैडम है, प्रमुख मैडम हैं, हम लोग सभी लोग आए हैं और आके यहाँ पर शौचालय खुला हुआ अभी खुलवाया गया यहाँ पर। और बाकी इन लोगों को निर्देश दिया गया कि किसी भी हालत में शौचालय बंद नहीं रहना चाहिए और जो भी बच्चे बच्चियां हैं वो लोग शौचालय का प्रयोग करें। हम लोग ब्लॉक प्रशासन के तरफ से कुछ छोटा मोटा सामान जैसे बाल्टी मग ये सब अभी हम लोग खरीद के दे रहे हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा थाना क्षेत्र में 55 वर्षीय मेंगली हांसदा नामक महिला पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया और बुरी तरह से उन्हें जख्मी कर दिया। महिला के पुत्र रामचंद्र हाजदा ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि मंगलवार की सुबह उनकी मां मेंगली हाजदा खेत गई थी,
जहां पर झाड़ी में छिपे जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। मेरा मामी ने टमाटर तोड़ने गए थे 7:30 बजे, वो अकेले तोड़ रहे थे, खेती में तोड़ रहे थे। उसके बाद जो इधर पटन था वो कि इधर हम लोग गांव मेन रोड से होते जंगल तरफ जब हाथी जा रहे थे तो आदमी सब जब हल्ला कर रहे थे तो इनका थोड़ा कान थोड़ा यह थोड़ा सुनने नहीं पाते हैं। हाथी को इधर देखा पीछे तरफ से तो दौड़ रहे थे, उनको देख के फिर क्या किया वो हाथी जब मेरा मामी भाग रहे थे फिर उनको मेरा मामी को फिर हाथी ने और दौड़ाया। और जमशेदपुर में एक पुलिस की बर्बरता साफ तौर पर देखने को मिली है, जहां साक्षी के जुबली पार्क स्थित गोलंबर के पास पुलिस ने एक दिव्यांग के ऊपर अपनी बर्बरता दिखाई है। मिला कि यहाँ एक पागल गाड़ी में पत्थर मार रहा है, वही सूचना पर हम यहाँ आए, उसको हटाए। क्या देखे यहाँ पर? वो विकलांग था। हाँ विकलांग था। उसको आपने लाठी क्यों मारा? लाठी कहाँ मारे, नहीं इतना तो डराना ही है। अच्छा, डराएंगे नहीं तो भागेगा कैसे। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित पेप्को मोटर्स की एक पूर्व महिला कर्मी ने वरीय अधिकारी पर बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगाया है। बिष्टुपुर स्थित पेप्को मोटर्स की पूर्व महिला कर्मी अनन्या सेन हल्दर ने यहां के एक वरीय अधिकारी पर अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगाया है। SSP से मुलाकात कर अधिकारी के खिलाफ उन्होंने शिकायत की और जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां महिला ने मीडिया को बताया है कि वरीय अधिकारी का व्यवहार अच्छा नहीं था। सर हम वहाँ पे एज अ टेलीकॉलर रिक्रूट हुए थे, बाद में लोग इंश्योरेंस का भी काम कराता था, पर मेरा रिक्रूटमेंट जो था एज अ टेलीकॉलर था सर, और अभी तक का मेरे को कोई रिटर्न अपॉइंटमेंट एज अ इंश्योरेंस मैनेजर या इंश्योरेंस स्टाफ ऐसा कुछ नहीं दिया गया। मेरे जो सीनियर थे मिस्टर प्रकाश चंद्रा, उनका मेरे से व्यवहार ठीक नहीं था सर। काफ़ी दिनों से ये चीज़ का सूचना मैंने अपने MD को भी वर्बली दिया था और मैंने अपने HR डिवीजन में भी दिया था। नाम बता, वो क्या है कंपनी में? मिस्टर प्रकाश चंद्रा GM सेल्स है सर वहाँ के। और जमशेदपुर में दिव्यांग बच्चों के द्वारा 150 से अधिक प्रकार की चाय बनाई जा रही है, जिसे देखने के लिए राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय पहुंचे और बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताया। बिष्टुपुर सर्किट हाउस में ला ग्रेविटी के द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के मिलने वाले चाय को बनाने का प्रशिक्षण देकर उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्हें बच्चों का हाल जानने के लिए राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय पहुंचे, जहां बच्चों के साथ अपना वक्त उन्होंने बिताया। दिव्यांग बच्चों के द्वारा बेकार पड़े सामानों को भी उपयोग में कैसे लाया जाए उसका प्रशिक्षण एवं 100 वर्ष के इतिहास को संजो कर रखे सामानों को सरयू राय ने देखा। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री सरयू राय ने कहा कि चाय हमारी संस्कृति को दर्शाता है, हम घर आए मेहमानों का स्वागत चाय के साथ करते हैं, यह हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। दुनिया भर में कई प्रकार के चाय का सेवन लोग अपने तरीके से करते हैं, इन तरीकों को इस संस्था के द्वारा एक जगह पर दर्शाया जा रहा है। इनके यहाँ दुनिया भर के चाय के कलेक्शन है, अब इसको कोई पिए एक्सपीरियंस करे तभी बता सकता है उसको। वैसे चाय तो हमारे यहाँ सुबह की लत में है और मेरे जैसे आदमी को चाय इसलिए भी पीता है कि किसी के यहाँ हम लोग जाते हैं तो चाय ही मिलती है, चाहे ऊँचे दर्जे का परिवार हो, मध्यम दर्जे का हो या बिल्कुल सामान्य दर्जे का हो। अब वहाँ ये कह देना कि मैं चाय नहीं पीता हूँ तो उनके लिए असमंजस हो जाता है कि आखिर वो किस तरह से आपका स्वागत करें। मैं तो इसीलिए चाय पीता हूँ। हमारे एक मित्र ने कहा भी था कि चाय से इनकार नहीं करना चाहिए, आपके पास एक कप चाय आती है तो 2 घूंटी पीजिए, 4 घूंटी पीजिए, मगर ठीक है आप उसको रखिए तो तसल्ली होगी पिलाने वालों को भी, चलिए हमारा स्वागत सत्कार होना। और जमशेदपुर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराया गया। बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में सिंघुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और DLC विभाग की ओर से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई।
इस अवसर पर श्रम आयुक्त के अलावा सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष भरत वासनी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कुल 42 योजनाएं चलाई जा रही है, जिनके बारे में इन मजदूरों को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होने के कारण इसका लाभ इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को आदेश जारी किया था कि ऐसे लोगों तक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए, जिसके तहत ही यह प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा है कि असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं और असंगठित कार्य करते हैं, जैसे कोई चाय वाला है, पान वाला है, धोबी का काम करता है, इस तरह के जो छोटे मोटे कार्य करते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा सोशल सिक्योरिटी के तहत कई सारी स्कीम है, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा की योजनाएं हैं और कई तरह की स्कीम है, उसका लाभ जानकारी के अभाव में लोगों तक नहीं मिल जा रहा है। तो आज DLC साहब राज्य सरकार की तरफ से यहाँ चैम्बर में आए हैं और हम सबों को ये सब की जानकारी दी है, ताकि हम अपने यहाँ जो कार्य कर रहे हैं, इस तरह के मजदूर हैं और अन्य कामगार हैं, उन तक पहुँचा सकें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए। पापा पापा, मेरा तो नाम लॉटरी में नहीं निकला। हमारे बच्चे किसी लॉटरी का मोहताज क्यों? मैं कौन स्कूल में पढ़ूंगा? हम इन्हें पढ़ाएंगे एक अच्छे स्कूल में। जहां सुरक्षा की गारंटी हो, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण ICSE स्कूल हो, जिसके मूल में भारतीयता बसी हो। हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपके पास पढ़े। जहां पढ़ाई के साथ साथ संस्कार मिले और अपनों जैसा व्यवहार मिले, जहां प्यार करने वाले हों और सबसे बड़ी बात, जहां हमें पूर्ण विश्वास हो। DSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस कासीडी, एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोलचा, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा। गोलचा रेडीमेड सेंटर, वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा। जी हाँ, यही तो है गोलचा रेडीमेड सेंटर। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं अ यूनिक AC गारमेंट मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। गोलचा रेडीमेड सेंटर, जहाँ आधुनिक फैशन और डिजाइन की हर वैरायटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए। गोलचा रेडीमेड सेंटर, अ मल्टी ब्रांड गारमेंट शोरूम, जहाँ आपको मिलेगा लेडीज के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी, फैंसी और कामदार रेडीमेड सूट एवं सूट पीस, लेगिंग्स, जींस, टॉप, जेगिंस, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट। गोलचा रेडीमेड सेंटर में मिलेगा आपको जेंट्स के लिए जींस, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर और साथ साथ दूल्हे राजा की शेरवानी। इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोलचा रेडीमेड सेंटर जरूर आना। बाजार गोलचा, करे आपके सपनों को साकार, फिर देर काहे की सरकार। आज ही पधारें बाजार गोलचा। हमारा पता, पहला और दूसरा तल्ला, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा जमशेदपुर, 0657229093। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ए विचार करते हैं। ए विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ए विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है,
पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की फिलकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमें अनेक जबसे कचे गेलाम किसी प्रॉब्लम नहीं है কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসেছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। মেরে বচ্চে কা পড়াই মে মন নহীঁ লাগতা থা, শ্রী মহাদেব জি কে পরামর্শ কে বাদ আজ মেরা বচ্চা আচ্ছে নম্বরো সে পাস হো রাহা হ্যায়। মহাদেব জি সে মিলে অর সভি পরেশানিয়ো সে নিজাত পায়ে। মিলনে কে লিয়ে সম্পর্ক করেন জেমকো, আদিত্যপুর, সাক্ষী, সোনারি, মানগো, গোলমুড়ি। মোবাইল নম্বর 9874482680, 9430715730, 9709052086। ব্রেক কে বাদ এক বার ফির সে আপনা স্বাগত হ্যায়। आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने बाबूडी में पानी की किल्लत दूर करने की मांग के समर्थन में जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पार्टी के पुरुष महिलाएं शामिल थे। प्रदर्शन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी महिला मंच की संयोजक विनीता मिश्रा ने किया। इधर विनीता मिश्रा ने बताया है कि सिद्धगोड़ा बाबूडी बस्ती में पानी का किल्लत है। भाजपा नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि डीसी को ज्ञापन सौंपकर बाबूडी बस्ती में पानी की समस्या दूर करने की मांग की गई है। बाबूडी लाल भट्टा बीआरडी में जो है जगह है, यहाँ पे कम से कम 70-80 परिवार रहते हैं और इन लोगों को आए अभी गर्मी की शुरुआत हुई है और पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जब गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो पता नहीं इन लोगों को किस तरह की समस्या से जूझना पड़ेगा। तो आज हम लोग ये लोग कई बार जो हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री की सरकार है, भाजपा के लोगों से कई बार इन लोगों ने मिला और अपनी समस्याओं को रखा मगर आज तक इनकी समस्या दूर नहीं हुई है। टैंकरों से पानी आता है और वो भी एक टैंकर पानी आता है जिससे लोग किसी तरह से बहुत सारी सारी महिलाएं जो है किसी तरह से वहाँ पे पानी ले पाती हैं जो दूर दूर से लोग लाना पड़ता है। पानी टैंकरों में गैलनों में कर करके भर भर के पानी लाना पड़ता है। तो हम लोग आज डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं। और सरायकला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 19 में बहुप्रतीक्षित आरसीसी होम पाइप नाली निर्माण की योजना का शिलान्यास किया गया। वार्ड नंबर 19 के सी और ई रोड में 9,99,800 रुपए की लागत से आरसीसी होम पाइप लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इस मौके पर आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में नगर निगम के अध्यक्ष राधा शांडिल, वार्ड नंबर 19 की पार्षद पिंकी महतो के अलावा स्थानीय लोग भी वहाँ मौजूद थे। एसबी एंटरप्राइजेस के द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण यहां किया जा रहा है और इस मौके पर अध्यक्ष राधा सांडिले ने एसबी एंटरप्राइजेस को तय समय में गुणवत्ता पूर्ण कार्य करने का भी निर्देश दिया है। स्वर्ण रेखा परियोजना के प्रशासक सह कोलाहान के आयुक्त ब्रजमोहन कुमार का प्रशासक कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर नव नियुक्त प्रशासक सह कोलाहान के आयुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। नव नियुक्त परियोजना के प्रशासक आयुक्त प्रमोद कुमार ने पूर्व प्रशासक ब्रजमोहन कुमार से पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर काफी संख्या में स्वर्णरेखा परियोजना कार्यालय के पदाधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। आयोजित विदाई समारोह के दौरान पूर्व प्रशासक ब्रजमोहन कुमार ने परियोजना से जुड़े अपने कई अनुभवों को मौजूद लोगों के साथ साझा किया। साथ ही मुख्य अभियंता से प्रशासक तक के सफर में किस प्रकार परियोजनाओं को ऊंचाई पर ले जाने का कार्य इनके द्वारा किया गया है ये भी बताया गया। जबकि इस मौके पर मौजूद नव नियुक्त प्रशासक प्रमोद कुमार गुप्ता ने भी मौजूद लोगों को भरपूर विश्वास दिलाया है कि उनके सहयोग से केंद्र की अति महत्वाकांक्षी स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना को तय समय तक पूरा किए जाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। और जैसे जो गति आप लोगों ने बना रखा है, सारे अच्छे इंजीनियर्स हैं, उसको सुस्त नहीं होगा। आज टीम है आपकी आई, आप लोग उसको इंटरटेन कीजिए, जो ऑर्डर्स लेना है हाँ, और फिर नए प्रशासक से भी उनको इंट्रैक्ट कराइए, ठीक है। हमारी जहाँ जरूरत पड़ती है हमसे बात कराइए। का एक गांव मैंने वहाँ 70,000 टॉयलेट बनाया और इकट गांव के गरीब 45% ट्राइबल विलेजों में इकट आदमी हम लोगों को पहचानने लगा। हम जानेंगे तब मैं असली उपायुक्त का रूप में मैंने बहुत पिछड़े जिला था उसको छठे रैंक में ले आया, 23वीं पोजीशन पर था जब मैंने ज्वाइन किया था। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में बेहतर स्थान सरायकला नगर पंचायत को प्राप्त हो इसे लेकर जोर शोर से अभियान चल रहा है। इस बाबत सफाई कर्मियों, पर्यवेक्षकों, एसएचजी महिला ग्रुप के प्रतिनिधियों को जागरूक करने को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस दौरान सभी को ठोस अपशिष्ट पदार्थों के सही निष्पादन को लेकर जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों को स्वच्छता से जुड़े कई मोटिवेशनल वीडियो भी दिखाए गए। वहीं सभी के बीच सर्टिफिकेट तथा स्वच्छता से जुड़े टूल किट का भी वितरण किया गया। लोगों से ये अपील भी की गई कि वे अपने शहर को साफ सुथरा बनाने में योगदान दें तथा स्वच्छता सर्वेक्षण में सरायकेला नगर पंचायत को बेहतर अंक लाने में मदद करें। देश की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है भारत सरकार की ओर से, जिसमें हमारा सरायकेला नगर पंचायत को जिताने के लिए और सरायकेला को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए हम लोगों ने यहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सभी को ट्रेनिंग टूल किट दिया गया। ट्रेनिंग टूल किट देने के साथ साथ लोगों को वीडियो दिखाकर मोटिवेशनल स्पीच देकर उनको उनका उत्साह बढ़ाया गया। उनको इस ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। और जमशेदपुर से सटे गमरिया अग्निकांड में अपना सब कुछ गंवा चुकी सुनीता प्रमाणिक को माधुरी दीक्षित के चहेते पप्पू सरदार ने सिलाई मशीन देकर उसकी जीविका को पटरी पर लाने का प्रयास किया है। गमरिया की रहने वाली सुनीता प्रमाणिक परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होता देख अपने दम पर सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, जिससे दूसरी महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त हो रहा था। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पिछले दिनों शॉर्ट सर्किट से गमरिया बाजार में भीषण अग्निकांड की घटना घटी थी, जिसमें सुनीता प्रमाणिक की दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गई थी। इसके साथ ही उनके जीने का सहारा भी टूट सा गया था। मगर अब सुनीता प्रमाणिक को लोगों का सहारा मिलता देख वह फिर से अपने बुलंद हौसलों के साथ अपनी जीविका चलाने के लिए तैयार है। वहीं पप्पू सरदार के द्वारा पीड़ित महिला को सिलाई मशीन देकर उन्हें अपनी जीविका फिर से शुरू करने का अवसर दिया गया। मैं 4 महीना हुआ दुकान खोल के, और 8:30 बजे मैं दुकान बंद करके घर जा रही थी, और हमारा ससुर का ऑपरेशन था तो हमारा हस्बैंड हॉस्पिटल में थे कैंसर का ऑपरेशन था। तो जब हम घर आए 10 बजे पुलिस आके बोले कि आपका दुकान जल के राख हो गया। तो जब हम दुकान गए चाबी लेके तो देखे सब कुछ ख़त्म। मेरा 5 मशीन था और 1.5-2 लाख तक का ऑर्डर का काम था, सब ख़त्म। अभी मेरे पास एक भी कुछ नहीं, और ये भैया हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके चलते हम आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे हैं, नहीं तो हम पूरा टूट चुके हैं। और आज के डेट में हम बोलना चाहते हैं कि हमारा गरीब इंसान का दुख पड़ा है। आज बड़ा आदमी का कुछ भी दुख पड़ता तो हजारों नेता हाजिर होता है, लेकिन आज मेरे प्रॉब्लम में हमारा वहाँ भी कांडा में हजारों नेता हैं, वोट के टाइम सब आ जाते हैं, लेकिन आज कोई मेरे में खड़े नहीं हुए। ये मेरी बहन की सोच है माया दीक्षित की, उसकी तरफ से मुझे जब खबर मिली कि इस तरीके से इनके साथ हादसा हो चुका है, इनके पास कोई रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं है, तो मैंने इनको ये मशीन वारंटेड है। और आज के दिन अगर हम लोग किसी को चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी के लिए भला करना चाहते हैं, तो ये मेरी माधुरी दीक्षित बहन की सोच है कि जहाँ तक हो सके किसी का मदद करो, क्योंकि अगर हम किसी एक का भला करते हैं तो उससे माधुरी का भला होता है, जिसका मदद करते हैं उसका भी भला होता है। और शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर नगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष उषा यादव के नेतृत्व में महिलाएं जमशेदपुर SSP से मिली। उषा यादव ने बताया है कि शहर में महिलाओं के साथ छेड़खानी व अन्य वारदातें बढ़ गई हैं। दोषी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो महिला कांग्रेस आंदोलन के लिए बाध्य होगी। लड़ाई लड़ेंगे आप लोग। अभी बढ़ती अपराधों पर संगीन एकदम जो अपराध महिलाओं के प्रति हो रहा है, और घोर अत्याचार, छेड़खानी, बलात्कार जगह जगह में महिलाओं के साथ क्यों हो रहा है। हम लोग SP साहब से मिलने के लिए आए हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, नहीं करेंगे तो सारी महिला कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी। रोड पर भी आंदोलन करना होगा तो करने के लिए तैयार है। इसके लिए हम लोग जहाँ तक जाना होगा जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। कहाँ का बात कर रहे हैं आप लोग? ये मानगो में जो अभी एक लड़की के साथ हुआ था, और उनका संगीन हालत में इस तरह के वीडियो बनाना, इस तरह के सारे समाचार में देना, एक महिलाओं के लिए मान सम्मान की बात। और जमशेदपुर के आजाद नगर थाना शांति समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने SSP से भेंट कर आमंत्रण पत्र सौंपा। आजाद नगर थाना शांति समिति के सचिव मुख्तार आलम खान ने बताया है कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 फरवरी को थाना परिसर में कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा है कि SSP ने कार्यक्रम में भाग लेने और अच्छे सलाह देने का भी आश्वासन दिया है। आज हमारे नए सीनियर SP से मिले हम लोग, और उनको हम लोगों ने इन्वाइट किया है। आजाद नगर थाना परिसर में एक बड़ा प्रोग्राम होना है, आपसी भाईचारे को और आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम करना है। उसी सिलसिले में इन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, पुलिस पब्लिक के बीच में दूरियां जो कम कर रहे हैं, इसको हम बढ़ाने के लिए हम ज़रूर आएंगे और अच्छे सुझाव देंगे, और हम लोग चाहते हैं कि समाज के हर लोगों को आप उस प्रोग्राम में बुलाएं। ब्रह्म कुमारी संस्थान जमशेदपुर की ओर से निकाली गई ईश्वरीय संदेश रथ यात्रा न्यू बारद्वारी दुर्गा पूजा मैदान पहुंची।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले, भाजपा महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार मौजूद थे। इधर ब्रह्म कुमारी कोमल बहन ने बताया है, विश्व कल्याण के लिए नगर में 15 दिवसीय ईश्वरीय संदेश रथ यात्रा निकाली गई है, जिसका समापन 22 फरवरी को होगा। यह 15 दिवसीय ईश्वरीय संदेश रथ यात्रा शहर के विभिन्न भिन्न भिन्न शहरों में क्षेत्रों में जा रही है। आज यह बाराद्वारी के प्रांगण में आई है। 8 तारीख से 22 फरवरी तक यह यात्रा पूरे शहर में घूमेगी और 13 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यह रथ यात्रा बाराद्वारी में आई है। इस रथ यात्रा का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। इसी उद्देश्य को लेकर यह रथ यात्रा निकाली गई है। मैं यह 82 और जमशेदपुर के गुलमुरी सर्कस मैदान में महाशिवरात्रि के अवसर पर भोग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुलमुरी सर्कस मैदान दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार खत्री ने बताया है कि 15 फरवरी को गुलमुरी सर्कस मैदान में दुर्गा पूजा मिलन समारोह एवं शिवरात्रि के पावन अवसर पर भोग वितरण कार्यक्रम रखा गया है। दुर्गा पूजा का समय मिलन समारोह है और शिवरात्रि का प्रसाद रखा गया गुलमुरी फुट प्लाजा में। कब है ये? ये 15 तारीख को 12:30 से 3 बजे तक का है। क्या क्या होगा इसमें? प्रसाद में आपका अच्छा प्रकार के व्यंजन रखा गया है और इससे आप आके हमारा उद्देश्य हमारा है कि हम लोग एक जुट होके एक समाज को सही तौर पर चलाने की और आगे लेके जाने। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर राज्य के मुखिया ने की पूजा अर्चना, राज्य की खुशहाली की कामना। जमशेदपुर के बागबेड़ा में कुएं से निकाला गया 2 छात्रों का शव, सोमवार रात घटी थी घटना। नाबालिग दुष्कर्म मामले को मंत्री सरयू राय ने लिया संज्ञान में, कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और बदलते युग में आज भी मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।